Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my web development session. This session is mainly in Urdu or Hindi language, but you are welcome to ask question in English or Punjabi language. So I'll continue further session in Urdu. जी, तो लास्ट टाइम हमने ये सी एस एस एच एस एच एस एल कलर्स के बारे में पढ़ा था, तो इससे फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि बैकग्राउंड्स के बारे में है. तो इसमें फिर हम देखते हैं बैकग्राउंड किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं. तो इसमें मुख्तलिफ तरह से हम कर सकते हैं. एक इस तरह की है प्रॉपर्टी के, उसमें आप जिस तरह ये बैकग्राउंड लिख के और आगे ये कॉलन लिख के एक वैल्यूज़ हम इकट्ठी भी दे सकते हैं, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं. और एक ये कि उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करें, जैसे बैकग्राउंड डैश कलर, जहाँ पर हम कलर का नाम देंगे, या आप वो आर जी बी में भी दे सकते हैं, जैसे हमने पीछे जो लेसन्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा है, और जो एच एस एल जो है उस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट जो है उसमें भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे सिलेक्टर हमारा बॉडी है, तो इसलिए फिर पूरे आपके पेज के ऊपर ही अप्लाई होगा. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनको हम किस तरह दे सकते हैं कलर्स. पहले हमने जिस तरह सिर्फ हमने बॉडी को कलर दिया है, अभी देखिए यहाँ पे हमने सारे के सारे ये टैग सिलेक्टर इस्तेमाल किए हैं. जो बैकग्राउंड अप्लाई हो रहा है ये वाला आपका H1 पे होगा, इसीलिए इसका ग्रीन कलर आ रहा है. और फिर नीचे हमारे पास ये पैराग्राफ है और डिव के ऊपर भी. तो और अब ये बात देखें कि ये डिव के अंदर हमारा ये पैराग्राफ आ रहा है, तो जो डिव का पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से उसका कलर आ रहा है, फिर पैराग्राफ को मुख्तलिफ कलर दिया है तो वो आ रहा है, और उसके बाद ये हमने टेक्स्ट जो वी आर स्टिल इन द डिव एलिमेंट, ये उसके बाहर है पैराग्राफ के, तो इस वजह से इसको भी कलर वो लाइट ब्लू आ रहा है. तो इसमें ओपेसिटी है, ओपेसिटी अब यह है कि ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ये इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप हल्का सा करते हैं बाज़ जगह हेडिंग्स पे. तो इस पे अब देखें ओपेसिटी जो है वो अगर आप इसकी वैल्यू 1 देते हैं तो ये आपका जो प्योर फुल आपका जो कलर है वो आएगा, यानी ट्रांसपेरेंसी जो है वो 0 होगी अगर इसकी वैल्यू 1 होती है. और फिर अगर आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसी तरह ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, और अगर आप 0 इसको दे देते हैं तो वो बिल्कुल ही आपका आपको कलर नज़र नहीं आएगा, जो बैक पे चीज़ होगी वो नज़र आएगी. तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह ये हमने पहले हमारे पास H1 आ रहा है, H1 को यहाँ पे H1 को नहीं दिया है, उसके बाद जो क्लास बनाई है यहाँ पे फर्स्ट के नाम से, यहाँ पे ओपेसिटी दी है, यानी कि इसको 0.10. और इसी तरह फिर सेकंड डिव है, फिर थर्ड है, तो यहाँ पे जैसे जैसे ज़्यादा किया है तो कलर आपको उतना फिर वाजह आ रहा है. तो ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता. चेंज करके मतलब वैसे देख भी सकते हैं, यहाँ पे हम खुद भी इसको मसलन मैं 9 कर देता हूँ तो ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट रह जाएगा. अब ये वाला बिल्कुल डार्क है नीचे वाला, और ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट है. तो आगे हम चलते हैं. और ये चाइल्ड एलिमेंट है वो ओपेसिटी सारी इनहेरिट होती है. और इस तरह और जो हम कलर्स वगैरह देते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ पेरेंट एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं वो भी इनहेरिट होती हैं उसमें चाइल्ड में. तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो RGBA के ज़रिए भी हासिल की जा सकती है,
इसको हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल लंबी है, जी तो यहाँ पे जो चीज़ एक इन्होंने नोट किया कि जैसे यहाँ पे ये बताया गया कि ओपेसिटी जो है ये आपके चाइल्ड एलिमेंट पर भी अप्लाई होगी, और अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स आप चाहते हैं कि वो नॉर्मल उनके ओपेसिटी रहे, तो फिर आपको RGBA इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल में देखें, तो एग्जांपल थोड़ी सी लंबी थी, इसको ज़रा देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ नोट करें कि ओपेसिटी यहाँ पे एक ये वाला एरिया यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रहे हैं और दूसरा यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक जो चीज़ वैसे आपको सामने नज़र आ रही है कि ओपेसिटी यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, ट्रांसपेरेंट आपको देखें हो रहा है बैकग्राउंड, और यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन एक फ़र्क यह है कि यहाँ पे साथ में जो टेक्स है वो भी ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, और जबकि यहाँ पे इस तरह नहीं हो रहा। तो इस पे अगर आप फिर आके देखें, तो ऊपर आप देखें जिस तरह के यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ओपेसिटी जो है वो चाइल्ड एलिमेंट पर भी अप्लाई होती है, तो यहाँ पे हमने जब ओपेसिटी दी है तो ये साथ ही साथ जो नीचे H1 है इसका जो यानी इसका ये चाइल्ड बन जाता है, तो ये उसके ऊपर भी अप्लाई हुई है, इसीलिए इसका टेक्स जो है वो भी आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। तो फिर इसके अगेंस्ट हम यहाँ पे आए, एक तो ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पे एक तो उन्होंने ये डिव जो टैग सेलेक्टर है इसको एक कलर दिया है, तो ये ग्रीनिश ये कलर है, फुल ग्रीन नहीं है, तो ये तो सब डिव्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, ये इसके ऊपर भी हो रहा है, इसके ऊपर भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे अब हमने सिर्फ जो ओपेसिटी जो है वो मेंशन की है। तो इसके साथ ये देखें फिर ये जो डिव्स हैं ये क्लासेस के साथ हैं, तो ये यहाँ पे RGBA दिया है इन्होंने, तो जिस तरह के ये फर्स्ट बनता है डिव ये वाला, तो यहाँ पे जब RGBA के साथ वैल्यू दी है तो हमने देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस डिव के ऊपर तो है, इसीलिए इसका जो ट्रांसपेरेंट ये नज़र आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ये इसका चाइल्ड है इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी जो अप्लाई नहीं है, इसलिए ये फुल अपने कलर के साथ ये नज़र आ रहा है। तो इस पे मेन यही चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट की है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो इनहेरिट होती हैं, जैसे कि आप डिव को कलर देंगे टेक्स्ट कलर, तो वो अगर पैराग्राफ्स जो हैं वो उनके ऊपर भी अप्लाई होगा, कुछ जो हैं वो आपको खुद से देनी पड़ती हैं, जिस तरह एंकर टैग है वो आपको उसके कलर्स वगैरह खुद देने पड़ते हैं फिर से। तो आगे हम चलते हैं कि इमेज हम इसमें कैसे मेंशन कर सकते हैं बैकग्राउंड में, वैसे तो भी हमने ऊपर जो कलर दिया है, तो यहाँ पे इसका सेंटेक्स ये है कि बैकग्राउंड डैश इमेज, तो ये तकरीबन इसके साथ जितने रिलेटेड बैकग्राउंड की है ना वो डैश के साथ ही होंगी, जिस तरह कलर है और इस तरह प्रॉपर्टीज जो है वो भी हम देखेंगे, इसी तरह ये इनका सेंटेक्स है कि मेन प्रॉपर्टी का नाम और फिर डैश के साथ उसका नाम, सब प्रॉपर्टी जो है। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन यूज़ करते हैं CSS का URL के लिए, और यहाँ पे अंदर हम इसका URL मेंशन करते हैं, और जैसे ही अभी हमें यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि ये आपकी जो फाइल है ये इसी फोल्डर के अंदर है, यानी कि ये जो ऊपर फोल्डर हमें CSS का नज़र आ रहा है ये इसी फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई है, तो इस वजह से इसको मज़ीद उन्होंने पाथ से सब फोल्डर्स वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ ये होता है कि ये पूरा हम URL अगर यहाँ से कॉपी करें और इसके अंदर पेस्ट कर दें तो ये एब्सोल्यूट पाथ होगा, तो ये अभी रिलेटिव पाथ है कि करंट फोल्डर की रेफरेंस है। तो ये हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है वो पीछे आ गया है, असल में ये इतना कुछ बैकग्राउंड है लेकिन ये रिपीट जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है,
और ये देखें रिपीट ये दो तरह से हो रहा है, एक लेफ्ट टू राइट हो रहा है, एक टॉप टू बॉटम हो रहा है। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये आगे हम यहाँ पे एग्जांपल में पढ़ते हैं। इसको भी हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे बल्कि इमेज हम कुछ भी वैसे सर्च कर सकते हैं और अपने फुल पाथ दे के लगा के चेंज करके देखते हैं। साइज है इसका, लोगो जो है हम छोटे साइज के इस्तेमाल करते हैं। तो इस फाइल को हमने अगर इस्तेमाल करना है तो इसका यूआरएल कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। बाद वैसे ये कि सर्वर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अगर इस तरह एक्सटर्नल किसी और यूआरएल से आपको उसके रिसोर्सेज को एक्सेस किया जाए, हॉट लिंकिंग इसको बोला जाता है। तो लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। तो बैकग्राउंड जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, वरना आपका टेक्स्ट रीडेबल नहीं रहेगा। तो आगे हम देखते हैं, बल्कि ये इन्होंने यही बात की है कि अगर आपका बैकग्राउंड रीजनेबल नहीं होगा तो टेक्स्ट रीडेबल नहीं रहेगा। और बैकग्राउंड आप किसी वैसे जो पीछे एग्जांपल किया हमने उसमें तो पूरे पेज लेवल पे बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो पूरे पेज पे ये बैकग्राउंड नज़र आएगा, और यहाँ पे ये सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया है। जिस तरह कलर की हम पीछे देख चुके हैं वो भी ऐसे ही है। नेक्स्ट हम चाहते हैं और रिपीट के देखते हैं। रिपीट के जो है आप देखें कि इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये रिपीट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी इमेज है ये लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम ये अप्लाई होता है। तो इस पहले इमेज को हम देखते हैं, ये गालबन इतनी सी रेक्टेंगुलर इमेज होगी जो अंदाज़ा है मेरा, बाकी इसको देख के अंदाज़ा होगा। बाजू का तो बैकग्राउंड बिल्कुल छोटा सा एक डॉट की तरह भी हो सकता है, लेकिन जब वो रिपीट होता है तो आपको वो जी अब देखिए एक छोटी सी बार की तरह है। इसको हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा डार्क है और नीचे लाइट होते होते बिल्कुल वाइट है। तो इसमें देखें ये किस तरह का इफेक्ट दे रहा है। तो आगे हम देखें इसको कंट्रोल करते हैं कि रिपीट एक्स और रिपीट वाई। तो इसमें देखें कि इसको रिपीट में बैकग्राउंड डैश रिपीट की प्रॉपर्टी है। तो इसको हमने बताया है कि रिपीट सिर्फ एक्स करना है। तो इस वजह से ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट कर रहा है, और इसको अगर हम वाई कर दें यहाँ पे तो फिर ये सिर्फ पट्टी सी जो है वही लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस पे रिपीट कर गई है। तो ऐसे रिपीट है और ऐसे है। जी, इस पे रिपीट सर जो है ना दोनों साथ दे सकते हैं, रिपीट एक्स एंड वाई। बाय डिफॉल्ट तो ये दोनों ही होते हैं। बाय डिफॉल्ट नहीं, अगर सेपरेटेड हम कमांड देते हैं इस पे कॉलन डाल के या कॉमा डाल के, नेक्स्ट पॉसिबल है। रिपीट बोथ के नाम से गालबन होती है। तो उसमें देखें इसमें फिर ये है कि आप अगर तो किसी चीज़ की ये डिटेल्स निकालनी है ना, इसके रेफरेंस आप जाके देख सकते हैं, चूंकि उसी इसमें पे वैसे हम एक कोडिंग करते हैं कि उसके बाद इसी प्रॉपर्टी को दोबारा जो है वो टाइप करके कर देते हैं रिपीट एक्स में। इस तरह तो वो ओवरराइड हो जाती है। जो जनरल तरीका है वो हमने अगर देखें भी ना,
जिस तरह ये इमेज की हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं और फिर नीचे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये पहले वाली ओवरराइड हो जाएगी। तो इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये अक्सर आपको करनी भी पड़ती है कि जब आप रेगुलर काम कर लेते हैं और आप किसी एक प्रॉपर्टी की ज़्यादा डिटेल में आपको चाहिए होती है मालूमात, तो फिर उसका हल ये है कि आप इसको रेफरेंस में सर्च करें। और ये अब इसका जो है ना, ये क्योंकि यहाँ पे ट्यूटोरियल टाइप इसके एग्जांपल्स हैं ये वाली, और यहाँ पे रेफरेंस जो है ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये डेफिनेशन रिपीट है। अच्छा, इसका मतलब यह कि रिपीट का मतलब यह कि रिपीट बोथ है, सिर्फ रिपीट लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि ये बोथ करता है, राइट, मतलब एक्स और वाई दोनों को कर रहा है। एक रिपीट है, फिर एक्स है, फिर वाई है, या फिर नो रिपीट है। तो नो रिपीट करेंगे तो फिर ये होगा कि सिर्फ जितना उसका साइज है इमेज का उतने ही वो दिखाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम नो रिपीट कर दें तो ये सिर्फ यहाँ तक आएगी, ना एक्स पे गई है ना वाई पे गई है। तो ये इमेज क्योंकि एक बार की तरह थी, तो इस पे फिर ये बात भी देखेंगे, इसको जब उन्होंने रिपीट एक्स किया तो ये पूरे के ऊपर कर रही है, यानी ये असल में तस्वीर इतनी कुछ दी लेकिन इसको स्ट्रेच करके फुल कर दिया और फिर लेफ्ट टू राइट इसको रिपीट करा दिया। तो इसमें हम आगे चलते हैं, सिर्फ रिपीट लिखेंगे तो ये तो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि ये इसको एक्स वाई दोनों पे रिपीट करेगा, इसको तो फिर मेंशन ना भी करें तब भी ये रिपीट होगी। तो आगे हम चलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये रिपीट करता है, और अगर आपने अच्छा हम जिस तरह देखें अभी कमेंट में इसको ख़त्म करते हैं आरजी तौर पे इस लाइन को, या इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो अब ये रिपीट हो रहा है। तो बाज़ जगह पे आपको रिपीट इमेज जो है रिपीटेशन उसकी नहीं चाहिए, तो फिर आपको वो रिपीट लिखना पड़ता है। अच्छा, अब ये इसमें आपकी आ जाती है एक चीज़ पोजिशनिंग, कि आप अगर नो रिपीट आपने लगाया है तो आपके जो एलिमेंट है, अगर एलिमेंट का साइज बड़ा है तो वो आप कहाँ पे जाते हैं, आपका नज़र है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे पोजीशन में राइट और टॉप दिया है, तो इसको बटन पे चाहिए था। कर दें तो सही है। अच्छा, इसमें इश्यू ये था कि हमारे पास हाइट जो है वो कम थी, तो इमेज का साइज जो है वो ज्यादा था, तो इसकी टोटल हाइट इतनी बन रही थी यहाँ तक, तो ऑटोमेटिकली जब बॉटम पे ये आएगा तो ये हिस्सा फिर ऊपर की तरफ चला जाता था, जगह यानी उसके लिए कम थी इस वजह से। तो यहाँ पे इसको हम लेफ्ट कर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही होता है,
एंड लेफ्ट टॉप। तो इसमें हम देखें दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई दोनों के लिए। ये मार्जिन राइट जो है ये क्या चीज़ है? ये मार्जिन अभी हम पढ़ते हैं आगे, मार्जिन ऑफ पैडिंग ये चीज़ आती है, मार्जिन ऑफ पैडिंग ये हम आगे पढ़ते हैं। वजह भी होगी, इस वजह से किया है जो आपका टैक्स को ना कंट्रोल करने के लिए, ताकि टैक्स यहाँ तक किया है। अच्छा इसमें अब ये एक अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है और ये बड़ी मजे की है कि अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड आपका, वैसे आप स्क्रॉल करें तो आपका स्क्रॉल में वो अप डाउन आपका मूव करता है इमेज। ये एक नॉर्मल बिहेवियर आपका, टेक्स्ट अगर एक है फिक्स जगह पे है या इमेज है आप स्क्रॉल करते हैं तो वो आपका पेज पे ऊपर चला जाएगा, हाइड हो जाएगा और ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे और फिर वापस भी आप स्क्रॉल ऊपर जाएंगे तो नज़र आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी इमेज जो है बैकग्राउंड में वो एक जगह पर स्टिल रहे। ये देखिए राइट साइड पे हम स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन इमेज अपनी जगह पे रुकी हुई है। तो इसमें ये फिर हमारे पास प्रॉपर्टी है अटैचमेंट फिक्स्ड। बाकी अगर हम देखें ये टेक्स्ट इन्होंने खुद से डमी टेक्स्ट डाला है ताकि ये स्क्रॉल यहाँ पे स्क्रॉल बाहर आए, वरना तो स्क्रॉल बाहर भी नहीं आती। तो बाकी चीज़ें वैसे ही हैं, इमेज का यूआरएल, रिपीट नो रिपीट, पोजीशन राइट टॉप, मार्जिन ये टैक्स की वजह से दिया है वरना टैक्स भी ऊपर ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। और एक जो नई चीज़ है वो सिर्फ ये बैकग्राउंड अटैचमेंट है। तो दूसरी इसकी ये बैकग्राउंड अटैचमेंट पे क्या चीज़ है? बैकग्राउंड अटैचमेंट जब फिक्स दे देंगे तो ये स्क्रॉल नहीं करेगा टैक्स, बाकी एलिमेंट्स स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड स्क्रॉल नहीं कर रहा। तो नॉर्मल देखें ये स्क्रॉल है, ये इसका, इसको अगर हम ख़त्म भी कर दें तो ये इसका नॉर्मल डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं जी शॉर्ट हैंड। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये हम कंबाइन इस तरह, अभी तो अलग अलग लिख रहे हैं, इनको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस में फिर ये है कि इसके आपके ये फॉलो करना होता है सेंटेंस इसका, पहले जैसे कलर दिया है, फिर यूआरएल दिया है, फिर रिपीट का मेंशन किया है और फिर पोजीशनिंग को मेंशन किया है। तो एक लाइन में ये सारी चीज़ें कर दी हैं। मतलब डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहते हैं। तो ऑर्डर जो है इसकी अहमियत है, जैसे यहाँ पे कलर दिया है, यूआरएल इमेज इमेज दिया है, रिपीट का बताया है और पोजीशनिंग बताई है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने वो स्किप कर दिया है अटैचमेंट। तो एक्सरसाइज करते हैं और यहाँ पे देखें ये रेफरेंसेस, गालबन इसके रेफरेंसेस हैं। डिटेल में अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए रेफरेंसेस हैं। जैसे इसमें मैं देखना चाह रहा था कि इस दो वैल्यूज़ के अलावा और भी हैं या नहीं, एक फिक्स्ड है और एक स्क्रॉल है। तो इसमें और भी हैं, फिक्स्ड, स्क्रॉल और लोकल। चलें एक्सरसाइजेस करते हैं जी, देखते हैं कितना हमें समझ आया है। सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर द इमेज टू जो भी कलर है, एंड बैकग्राउंड कलर ऑफ H1 टू लाइट ब्लू। पेज का अगर कहा है तो वो फिर जारी बात है हमें बॉडी के ऊपर देना पड़ेगा, बॉडी
यहाँ पे खैर इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये किस तरह हम स्टाइल यूज़ करें, इन लाइन यूज़ करें या इंटरनल करें, लेकिन इंटरनल फिर ज़्यादा बेहतर है। सबसे बेहतर ये है कि एक्सटर्नल यूज़ करें, लेकिन फिर इंटरनल यूज़ करें, और फिर भी अगर आप कोई मजबूरी है या ज़रूरत है तो फिर इन लाइन इस्तेमाल करें। ये एक तरीका है इसी तरह। तो दूसरा इन्होंने कहा है कि जी H1 को कलर देने का कहा है। यहाँ पे फिर हम H1 टैग सेलेक्टर लिखते हैं हो गया। शो आंसर पे भी क्लिक करें। वो भी ठीक था, अगर इन लाइन लिखते मतलब अगर आउटपुट के हिसाब से देखें तो वो भी ठीक था। सेट फाइल का नाम एज बैकग्राउंड इमेज ऑफ द पेज, तो इसको हम यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगा बॉडी का टैग सिलेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बैकग्राउंड इमेज यूआरएल का। ये यूआरएल भी साथ लिखना है। अभी हम देखते हैं ये इसमें जो इमेज का नाम दिया है ये यूआरएल के अंदर नाम देना चाहिए। इसको चेक करते हैं करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सेट द बैकग्राउंड एज बैकग्राउंड इमेज ऑफ द पेज एंड रिपीट इट वर्टिकली ओनली। तो इसमें फिर पेज की बात की है तो बॉडी सिलेक्टर इस्तेमाल होगा, और दूसरी बात की है कि एक तो बैकग्राउंड इमेज लगाना है, बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल का फंक्शन, और यहाँ पे आगे फाइल का पाथ। दूसरी चीज है बैकग्राउंड सही हो गए। ये भी एक्सरसाइज की तरफ। स्पेसिफाई दैट द बैकग्राउंड इमेज शुड बी शोन वंस इन द टॉप राइट कॉर्नर। तो इमेज दिया हुआ है पोजीशनिंग। स्पेसिफाई दैट द इमेज शुड बी शोन वंस इन द टॉप राइट कॉर्नर। अच्छा, इसमें एक चीज तो ये होगी और नो रिपीट दूसरी होगी इस पे, बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट। नहीं, अटैचमेंट फिक्स भी दे सकते हैं। अटैचमेंट फिक्स,
दूसरा रिपीट एक्स भी दे सकते हैं, बहरहाल ट्राई करते हैं, मुझे लग रहा है ये गलत है। बैकग्राउंड रिपीट एक्स, तो वो यही सेम चीज़ हो जाती है, मल्टीपल टाइम रिपीट होगा। हॉरिजेंटल आप एक्स इसको रिपीट कर रहे हैं, हमने नो रिपीट करना है, वन एक दफ़ा में शुरू हो, नो रिपीट शुरू में इसके नो रिपीट आएगा। सही कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये भी गलत है। इसमें और हम पोजीशन इसके बाद में पोजिशनिंग बाद में अटैचमेंट फिक्स भी हम कर सकते हैं ना, उस तरह भी हो सकता था। सही हो गया, अगर यहाँ पे एक्सरसाइज है, यूज द शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी टू सेट बैकग्राउंड इमेज टू शो इट वंस इन द टॉप राइट कॉर्नर। अच्छा ये अब थोड़ा सा सिलेक्टर, हमारे पास वही बॉडी सिलेक्टर होगा, कलर होता है, फिर सेकंड आपका इमेज आ जाता है। ये इमेज आ गया, इसके बाद आपके नो रिपीट आ जाएगा, फिर आपकी पोजीशनिंग आ जाएगी राइट टॉप। देखते हैं, सही हो गया है। आज के लिए फिर इतना ही, क्योंकि ये रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो फिर उसको जरूरत इस्तेमाल करने चाहिए जब आप को डिटेल में एक ही प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन की बिल्कुल वो आपको सारी पॉसिबल वैल्यूज आपको चाहिए। तो ये हम इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, हमने स्टार्ट जो किया है और जो एंड किया है। फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम बॉर्डर को क्लियर करेंगे। HTML के हम वैसे पहले कर चुके हैं इस लेसन, अभी CSS के कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के करने हैं, फिर PHP के, और फिर अगर नेक्स्ट पे टाइम मिला तो और चीज़ों को भी इंशाल्लाह ताला करने का इरादा है। ओके जी, शुक्रिया बहुत बहुत, अस्सलाम वालेकुम।